हेलो क्लास सेवन, टुडे वी आर स्टार्ट टॉपिक इज द सेंटेंस एंड ये हमारे ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेंटेंस। तो इसी में हम लोग देखते हैं फर्स्ट एंड ऑल लाइक सेंटेंस होता क्या है, या हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें कि लाइक इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो हम एक नॉर्मल बेसिक बेसिस पे बेसिक वे में देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस को नॉर्मली हम लोग हिंदी में बात करें तो वाक्य, ठीक है। लेकिन वाक्य पर्टिकुलर हम लोग कब बोल सकते हैं या प्रॉपर तरीके से सेंटेंस कब बनता है, ठीक। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशन इसकी। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। मतलब ग्रुप्स किसका, वर्ड्स का, ठीक है। मतलब एक ग्रुप जो कि कंप्लीट क्या बनाता है, एक सेंस बनाता है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो मतलब ऑल ओवर इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि मतलब ग्रुप्स जो वर्ड्स का है, जो पर्टिकुलर क्या बोलता है, एक सेंस बनाना है या पर्टिकुलर उसका मीन्स बताता है या उससे कुछ अर्थ निकलता है जो कि लाइक कैसा है, सेंसेबल है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एक तरह से सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस इट्स नॉन एज अ सेंटेंस, ओके। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टार ब्लिंकिंग, ठीक है। तो स्टार क्या है, ब्लिंकिंग मतलब लाइक टिमटिमा रहे हैं एक तरह से या झपक रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर सेंसेबल सेंटेंस अगर इसको फॉर्म करें तो स्टार ब्लिंकिंग इन नाइट, कि स्टार ब्लिंकिंग मतलब स्टार जो है लाइक ब्लिंक कर रहे हैं कहाँ, किस नाइट में, मतलब रात में, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है या कंप्लीट बोलते हैं सेंसेबल या सेंसफुल सेंटेंस बनता है जो कि हम लोग बोल सकते हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग या हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। नहीं तो अगर हम लोग बात करेंगे कि ये द स्टार ब्लिंकिंग, ये भी सही है कि स्टार क्या कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके एक सेंसफुल जो सेंटेंस बात करें हम लोग, वो क्या बनेगा हमारा, स्टार ब्लिंकिंग इन नाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा कि लाइक सेंटेंस की कौन कौन से काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब किसी के थ्रू बोली हुई बात होती है या कोई बोलता है सेंटेंस नॉर्मली, या बोल सकते हैं कोई वाक्य बोला जाता है किसी के थ्रू, वो क्या आपके किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में आता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आई थिंक मे बी सबको स्टार्टिंग से पता ही होगा कि इंट्रो की बात आ गई, ठीक है। तो इंट्रो मतलब इसमें आपके सारे सारे सेंटेंस के अंदर कौन से साइन होंगे, इंट्रोगेटिव साइन जिसको बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक या आपके क्वेश्चन मार्क साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक नॉर्मल में बता देता हूँ, इंपरेटिव आपके जो सेंटेंस होंगे उसमें जो लाइक स्टार्टिंग होगी जो सेंटेंस की, वो कैसे होगी, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से। हम लोग बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा या मे बी और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से स्टार्ट होने वाले, या बात करें हम लोग एक तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ब्रिंग हो गया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सारे आपके इंपरेटिव सेंटेंस में आ गए। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार हम लोग कोई थिंग्स या कोई सी इंसिडेंट या कोई घटना को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं चौंक जाते हैं, तो वो किस में आता है, आपके एक्सक्लेमेटरी में आता है। इसका साइन जो होता है एक्सक्लेमेटरी का, आपके ये साइन एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है, ठीक है। मतलब कहने का मीन्स हमारे नॉर्मल बेसिस पे काइंड्स कितने हो गए सेंटेंस के, फोर काइंड्स हो गए। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इज इंपरेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी। तो देयर इज अ फोर काइंड ऑफ सेंटेंस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, और डेफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो कि क्या कंप्लीट सेंस देता है, एक तरह से सेंसफुल मतलब एक तरह से उसका कोई अर्थ निकलता है, वो आपके क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, या हम लोग उसे वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ इसमें कि लाइक सेंटेंस के कब कंप्लीट होता है या कब उसको बोल सकते हैं हम लोग सेंटेंस एक तरह से कॉल या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड ऑल कि उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हमारे पास ये थ्री थिंग्स सेंटेंस या किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर हमारे को ये सारी थिंग्स मिल जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, तो व्हेन वी कॉल एज अ सेंटेंस। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, द स्टार, स्टार इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग इज अ वर्ब, और नाइट, नाइट इज अ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे ये क्या है, सेंटेंस है। तो मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया, तो हमारे पास दो डेफिनेशन निकल गई, फर्स्ट जो हमारे जो ग्रामर के अकॉर्डिंग दी हुई है, सेकंड हम लोग बात करें कि लाइक अ सेंटेंस विच हैज़ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ सेंटेंस, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं अ लाइन विच हैज़ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इज नॉन एज अ सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन होगी, सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि लाइक सेंटेंस के काइंड्स पढ़े थे, जिसमें हम फोर काइंड्स डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे। इसमें फर्स्ट जो काइंड है हमारा असर्टिव सेंटेंस,
या बात करें हम लोग एक तरह से स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसमें लोग नॉर्मल जो सेंटेंस यूज़ करते हैं या नॉर्मल जो वाक्य बोलते हैं या सेंटेंस यूजेस करते हैं, जो कि लाइक स्पीकिंग में या बात करें डेली रूटीन में जो काम कर लेते हैं, वो आपके एसरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें भी एसरेटिव सेंटेंस में डिफरेंट जो काइंड्स हैं, या फिर बात करें हम लोग डिफरेंट जो इसका बोल सकते हैं जो काइंड है वो कौन कौन से हैं, या मेन जो इसके काइंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके इसके टू काइंड्स हैं मेनली, ठीक है। अब वो टू काइंड्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट काइंड जो है इसमें वो है आपके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें क्या होता है नॉट या नेवर या फिर बोल सकते हैं ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया हो जो कि नेगेटिव हमारे को क्या फील करवाता हो, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव उसका कोई मीन्स निकलता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस टेल अस टू पॉजिटिव मैनर, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस है हमें जो पॉजिटिव मैनर में या एक तरह से पॉजिटिव वे में, सकारात्मक बोल सकते हैं जिसको हिंदी में, तो पॉजिटिव वे में क्या करेगा हमारे को एक तरह से बोलते हैं ना एक्सप्लेन करेगा, या पॉजिटिव वे में हमारे को ये रिप्रेजेंट करेगा सेंटेंस को, तो हमारे को क्या पता लगेगा कि लाइक इसमें कोई भी बोल सकते हैं नेगेटिव मीन्स या इसका नकारात्मक जो है मीन्स नहीं निकल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है। मतलब सिंपल सेंटेंस लाइक इसमें कोई भी नेगेटिव या बोल सकते हैं नकारात्मक चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। तो राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद में सेकंड जो काइंड है किसका, आपके असर्टिव सेंटेंस का, वो असर्टिव सेंटेंस का सेकंड जो काइंड है वो आपके नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपोजिट से मींस कि इसमें क्या बोला गया था कि लाइक सारा पॉजिटिव वे में बोला जाएगा, सारे पॉजिटिव वे में इसको, या इसमें सारे पॉजिटिव जो मींस इसका निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम इसका क्या होगा, इसका जो मींस निकलेगा वो कैसा निकलेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस टेल अस टू नेगेटिव मैनर, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का जो सेंटेंस होंगे वो हमारे को नेगेटिव मैनर, मतलब उसमें हमारे को कैसा बोलते हैं मीन्स निकलेगा, नेगेटिव या एक तरह से नकारात्मक मीन्स निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राहुल, जैसे इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं, राहुल इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कि राहुल क्या कर रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो ये इसका नेगेटिव मैनर हो गया, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।